बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग नहीं समझ पाते कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। कई बार खुद को समझने में भी लोगों को समय लग जाता है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी की बात का, हमें बुरा लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ पर हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हम रात में सो नहीं पाते ठीक तरीके से, कई बार हम फूड मिस कर देते हैं, अपना ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी मिस कर देते हैं। तो क्या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि हाँ मुझे नीड है, मुझे काउंसलिंग करना है, क्योंकि मैं छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा हो जा रही हूँ, या मुझे हर किसी की बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, मैं डीपली उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सामने वाला इंसान? देखो, एक आध बार बहुत गुस्सा कर देना, एक आध बार अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना बड़ा स्वाभाविक है। साइकोलॉजी कोई परफेक्शन की लाइफ की तरफ हिट नहीं करता है, वो एक फंक्शनैलिटी की तरफ करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपको गुस्सा आता है जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पर, आपकी निजी लाइफ में, आपके निजी संबंधों में दिक्कत हो रही है और आप चाहकर भी इसको रोक नहीं पा रहे जी, या आप बहुत इरिटेबल हो, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट इरिटेबिलिटी इज कमिंग, देन यस, यू शुड मीट अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे कैन हेल्प यू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे गर्दन आपकी आंख के बिल्कुल नीचे है, अपनी आंख से नहीं दिखी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि गर्दन नहीं है। तो सिमिलरली कई बार हम कुछ बिहेवियरली ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जिसका कारण हमें नहीं पता होता है कि व्हाई एम आई डूइंग इट लाइक दिस, राइट? लेकिन अगर आपको वो कारण जानने में साइकोलॉजिस्ट काफी मदद करता है। हाँ, अगर कोई चीज बार बार हो रही है और रिपीट हो रही है, यू शुड मीट अ साइकोलॉजिस्ट। आजकल लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, ओवर थिंकिंग करते करते लोगों को एंजाइटी हो जाती है, कई बार पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। ये शब्द हमने या 10 साल पहले या 15 साल पहले शायद सुने भी नहीं होंगे, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा आजकल ये कॉमन हो गया है, ये क्यों हो रहा है मैम, क्या वजह हो सकती है? आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने बताया होगा कि वो एंजाइटी से जूझ रहे हैं या पैनिक अटैक्स होने आ रहे हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आप सफल नहीं हो पाते तो ऐसी चीज़ें होती हैं, करियर में सफल नहीं हो पाते, या कई बार लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है, हाल ही में हमने इंक्रीज देखा है एंग्जाइटी और पैनिक के केसेस में, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों में भी एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आई थिंक इसका बहुत बड़ा संबंध ये है कि हम अपने वैल्यू सिस्टम से बिगड़ रहे हैं। आज के बच्चे इतना ऊपरी तौर पर जीते हैं, कोई फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, सब अलग अलग रह रहे हैं, घर में चार फोन है, सब व्हाट्सएप पे पूछते हैं हाई गुड मॉर्निंग, जबकि एक ही परिवार में अभी भी लोग एक ही छत के नीचे गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पर हो रही है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट खत्म होता जा रहा है, एक अजीब सी भाग है, दौड़ है आर्टिफिशियली सब हासिल करने की। तो जब भी आप ऐसा करेंगे और आप अपने खुद के रियल सेल्फ से दूर होते चले जाएंगे, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, एंग्जाइटी होगा ही होगा।